हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूं। जैसा कि आपका एग्जाम शेड्यूल पीपीएससी टीआरई 3 का आ गया है, आपका फिजिकल एजुकेशन का 21 जुलाई को पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपके पास बस 18-19 दिन का टाइम है। अब इसको पूरा अपने आप पे दीजिए, कहीं और अपना दिमाग मत लगाइए। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन डिटेल में चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 79 वीडियोज इंग्लिश, हिंदी और बीपीएससी टीआई 2 में एक एक टॉपिक के अनुसार मैंने वीडियोज बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिए। और 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट का 97वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है। दोस्तों, क्रायोथेरेपी ठंडी चिकित्सा को कहा जाता है, तो बर्फ चिकित्सा को, ठीक है, तो इसको शीत चिकित्सा इसका अर्थ हो जाएगा। जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थि भंग बोन फ्रैक्चर का क्या अर्थ है? अस्थि भंग बोन फ्रैक्चर का अर्थ होता है हड्डी का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में 3 विधियां होती हैं। एक होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, दूसरा होता है करेक्टिव एक्सरसाइज, तीसरा होता है फिजियोथेरेपी। इन तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज। पुनर्वास का मतलब होता है कि चोट लगने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आ जाना, उसी को कहते हैं पुनर्वास, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? आपको पता है कि फॉर्टलेक प्रशिक्षण, जो फॉर्टलेक शब्द है, 1937 में गोस्टाव होमलर ने इसकी खोजा था, इंड्योरेंस डेवलप करता है, और यह स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, और बिना प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन है? तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकता डेवलप करने की विधि है स्टैटिक, बैलिस्टिक, स्टैटिक डायनामिक एंड बिनअप मेथड, जिसमें से सबसे प्रभावी विधि होती है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग पद्धति, यानी कि स्लो स्ट्रेच करके कुछ समय तक होल्ड यानी रोके रहो। नेक्स्ट है, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है। दोस्तों, सर्किट ट्रेन जो एक गोलाकार पथ में किया जाता है अलग अलग एक्टिविटी, जिससे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता डेवलप होती है। नेक्स्ट है, जब मोच हो तब क्या करना चाहिए? दोस्तों, जिसने भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, तो ये सभी के लिए क्रायोथेरेपी यानी ठंडी चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट है, जब पेशी खिंचाव हो तब क्या करना चाहिए? तो पेशी खिंचाव को हम स्ट्रेन कहते हैं, यानी टेंडन और मांसपेशी में जो क्रैम्प आती है या चोट आती है, तो इसमें भी हम सबसे पहले बर्फ यानी कि क्रायोथेरेपी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इंटरवल ट्रेनिंग क्या विकसित करने के लिए एक प्रभावी पद्धति है? तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग जो है स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता को विकसित करती है, यानी सहनशीलता को विकसित करने की ही विधियां हैं। जैसे कि सहनशीलता को विकसित करने की 4 विधियां हैं इंड्योरेंस को, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेथड को विकसित करने की भी 4 विधियां हैं, स्लो कंटिन्यूअस, फोर्स कंटिन्यूअस, फॉर्टलेक मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड से एंड्योरेंस डेवलप होता है, इंटरवल मेथड से, ट्रेनिंग मेथड से स्पीड एंड्योरेंस, एंड रिपीटेशन से स्पीड एंड्योरेंस। तो यहाँ पे स्पीड एंड्योरेंस नहीं दिया है, तो ओनली सहनशीलता दिया है, क्योंकि सहनशीलता विकसित करने की ही विधि है। यहाँ पे एंड्योरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, आप ऐसा दिमाग लगा के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होती है, सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति सहनशीलता विकसित होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा माने रखता है, तो स्ट्रेंथ आपका राइट हो जाएगा, जबकि शक्ति सहनशीलता इसमें विकसित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, खेल में त्वचा की चोटों के लिए शब्द का प्रयोग होता है, जो त्वचा में रगड़ लग जाता है उसे हम एब्रेजन कहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों वर्टिकल एक्सिस गुजरता है, तो वर्टिकल एक्सिस ऐसे जमीन के समानांतर गुजरता है दोस्तों, तो यहाँ पे जमीन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर ऑफ द ग्राउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच होता है, यानी भार यानी रेसिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एफ ए आर 312 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रकार का लीवर है इसके बीच में एक्सिस होता है, ठीक है, और सेकेंड प्रकार के लीवर में, ठीक है, आर के नीचे 2 है यानी रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होता है। तो यहाँ पे भार बल और आधार के बीच में है तो कौन सा लीवर होगा, सेकेंड टाइप लीवर होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस यानी भार बीच में है। फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, सेकेंड में बल यानी कि भार यानी कि रेसिस्टेंस बीच में, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है। फर्स्ट प्रकार के लीवर को संतुलन का लीवर, सेकेंड प्रकार के लीवर को बल का लीवर, थर्ड प्रकार के लीवर को गति का लीवर कहते हैं। फर्स्ट प्रकार के लीवर का जो हमारे बॉडी में एग्जांपल है जैसे कि बाहों को फैलाना यानी एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म, एंकल फ्लेक्शन, सिर का आगे पीछे झुकाना, बॉडी वाले में स्मैश करना, वी सीटअप। याद रखिएगा सीटअप आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, लेकिन वी सीटअप प्रथम प्रकार का। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बल का लीवर कहा जाता है, यह हमारे बॉडी में एग्जांपल है जैसे कि प्लांटर फ्लेक्शन, पुशअप, जबड़े का खुलना बंद होना, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजों से जंप करना। तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का उत्तोलक कहते हैं जिसमें फोर्स बीच में होता है। इसके अंतर्गत हमारे बॉडी में एग्जांपल है आर्म फ्लेक्शन यानी बाह को मोड़ना, थाई फ्लेक्शन जांघ को मोड़ना, हैमस्ट्रिंग कर्ल घुटने का मोड़ना, सीटअप हाथ को ऊपर उठाना। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा प्रयोग थर्ड प्रकार के लीवर का होता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है दोस्तों, जहां पे बल पर मुख्य जोर दिया जाए, बल को मुख्य माना जाए वहां पे काइनेटिक्स होगा, जहां बल के साथ गति में परिवर्तन, गति को बात किया जाए वहां काइनेमेटिक्स होगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था बीबीएससी टीआई 3 में 2 में, और हो सकता है 3 में काइनेमेटिक्स पूछ दे, यानी जहां पे बल को मुख्य बताया गया है वहां काइनेटिक्स होगा, याद रखिएगा। अब बल के द्वारा जो वस्तुओं में गति होती है उसकी बात करेगा, गति को मुख्य मानेगा तो वहां काइनेमेटिक्स होगा, तो बल की बात करेगा तो काइनेटिक्स, बल के साथ गति की बात करेगा तो काइनेमेटिक्स, याद रखिएगा। इस तरीके से आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। नेक्स्ट है न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है लेकिन न्यूटन के नियम और उत्तोलक ये जरूर पूछता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को क्या क्या कहते हैं, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसी को पूछ देता है। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम, और जड़ता का नियम, अक्रमणता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम, परिणामी बल का नियम आदि नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही सब पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। आप जो भी पढ़े हैं अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तीसरा प्रकार का यहाँ गति का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे रिएक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे द्वितीय नियम कौन सा है दोस्तों, मोमेंटम का नियम, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का नियम। नेक्स्ट है किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है, यही भी आप मिस्टेक पढ़ने में करते हैं, ये कॉमा का याद रखिएगा, यहाँ बल पर जोर दिया जा रहा है। किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है, तो भार आधार के बीच में कौन होता है, बल, तो कौन सा लीवर होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है एफ ए आर 312, ठीक है, तो ठीक है। तीसरा तीन के ऊपर क्या है, यानी फोर्स, ठीक है, तो जहां पे बल बीच में हो एक्सिस और रेसिस्टेंस के, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, टाइप 3 यानी तीसरी प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस का घटक यानी कंपोनेंट है, तो स्पीड यानी गति, सहनशीलता यानी एंड्योरेंस, शक्ति यानी स्ट्रेंथ, ये सभी जो है
फिजिकल फिटनेस का घटक है। फिजिकल फिटनेस के दो मुख्य भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन आदि आता है। नेक्स्ट दोस्तों, तीव्र अंतराल विधि रैपिड इंटरवल ट्रेनिंग विकसित करता है। तो दोस्तों, यह गति सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट है थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं। जब भी थकान यानी फटीग सामने आया, उसके प्रतिरोध में जो क्षमता लगाई जाती है उसे कहा जाता है सहनशीलता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है। तो आपको पता है कि सबसे मजबूत मसल्स हमारी बॉडी की होती है हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी होती है निचले जबड़े की मैंडिबल। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे मजबूत मसल्स मसेटर मसल्स होती है, लेकिन मसेटर यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो उसके बाद आपका जो हमारे जांघ के सामने ट्राइसेप्स मसल्स, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ट्राइसेप्स सूर्य यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे शक्तिशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी मसल्स हमारे शरीर में हमारी जांघ कुल्हे की होती है, और सबसे लंबी मसल्स सार्टोरियस, और सबसे छोटी मसल्स हमारे कान की स्टेपिडियस, याद रखिएगा। और ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी मसल्स होती है, और सबसे लंबी मसल्स सार्टोरियस। नेक्स्ट है, बारंबारता पद्धति फ्रीक्वेंसी मेथड में क्या होता है। तो इसमें आपका व्यायाम की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अव्यायाम की मात्रा कम होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक स्थूलता बॉडी मास इसकी सहायता से मापी जाती है। दोस्तों, बॉडी मास जो है स्किन फोल्ड कैलिपर से मापी जाती है बॉडी की वसा। नेक्स्ट है, इनमें से मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की एक चोट कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका स्लीप डिस्क अपने स्थान से थोड़ा खिसक जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड की चोट है। नेक्स्ट दोस्तों, एक मानकीकृत स्टैंडर्ड परीक्षण में होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड परीक्षण यानी टेस्ट के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड यानी कि विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता एंड नॉर्म्स और मानक होना चाहिए। यहाँ पे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट है, खेलों में चोटों की खोज, उपचार व पुनर्वास से संबंधित विज्ञान है। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है, खेल चोटों के उपचार में निम्न सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे डायथर्मी विद्युत चिकित्सा है, वैक्स बाथ मोम चिकित्सा है, हार्ट पैक गर्म चिकित्सा है, यहाँ पे आपका वर्लपूल बाथ जो है हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जिसमें एक मशीन के द्वारा भंवर के रूप में उपचार किया जाता है बायोप्सी टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, लचीलेपन के विकसित करने के लिए बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक पीएनएफ मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से इसमें आपका बैलिस्टिक पद्धति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षीय संधि का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, यूनिएक्सियल यानी कि एक अक्षीय गति, जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में एक अक्ष में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, जैसे हमारा कोहनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट एंड निचले जबड़ों का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट। नेक्स्ट दोस्तों, बल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी एफ बराबर मास गुणे एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान किनेसियोलॉजी के पिता कौन है। तो आप सबको पता है अरस्तु हैं।
नेक्स्ट है ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट का इस बार, तो सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा था, एक भी चीज़ छूटा नहीं था। तो अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस इसका फुल फॉर्म है, और 1998 में इसको पॉल हंसिकर ने बनाया था, और इसमें 1998 में 7 आइटम्स थे। ठीक है, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में पूरे जहाँ अच्छे से समझना है तो आप स्पोर्ट ट्रेनिंग टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन में चले जाइए, वहाँ पे ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। एंड 1976 में पुनः इसमें संशोधन किया गया और 6 आइटम्स रखा गया, सॉफ्ट बॉल थ्रो को यहाँ पे से हटा दिया गया। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है, आप सबको पता है दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पेसिव। जो स्वयं के द्वारा विकसित किया जाता है वो एक्टिव, पेसिव जो दूसरे की सहायता से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों काइनेसिस शब्द का क्या अर्थ है, तो जो किनेसियोलॉजी है ग्रीक भाषा के दो शब्दों काइनेसिस प्लस लोगस से बना है। काइनेसिस का मतलब होता है गति और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी गति का अध्ययन काइनेसियोलॉजी का अर्थ होता है, यहाँ पे काइनेसिस का अर्थ हो जाएगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोग्राफ मापता है, तो दोस्तों एग्रोग्राफ जो है वह पेशीय शक्ति को मापता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रत्यायोजन डिलीगेशन है, संप्रेषण कम्युनिकेशन है, बट अतिव्यापन ओवरलैपिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है, यदि उसका कुल पल्स काउंट 250 है तो उसकी योग्यता इंडेक्स क्या होगी। तो दोस्तों जो हार्वर्ड स्टेट टेस्ट है वह कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापता है, इसका 1943 में ल्यूसिन ब्रोहा ने इसको बनाया था, और इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुड़े सौ अपन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुड़े दो, यानी कितना समय तक आप एक्सरसाइज किए हैं उसका सेकेंड में गुणा करेंगे फिर 100 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुड़े सौ। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज 5 मिनट तक एक्सरसाइज किया है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए 5 गुड़े, यानी 5 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 गुड़े 100। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 250 पल्स काउंट है तो जितना आपका पल्स काउंट हुआ है उसके गुड़े दो कर देंगे तो 250 गुड़े 2। ठीक है, 250 गुड़े 2। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 6 30 और फिर हम 100 में गुणा करेंगे कुल आएगा 3000/500, कितना आ जाएगा 3000/500। ठीक है दोस्तों 3000/500, यहाँ पे आप काट देंगे 500 में तो 0 से 0 कट जाएगा और 60 × 5 = 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 60 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा सिद्धांत है जो कहता है स्टेट ट्रेट एंजाइटी कॉग्निटिव समेटिव क्रायक होते हैं, तो यहाँ पे वह सिद्धांत मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी यह बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भूमि घर्षण लैंड फ्रिक्शन निर्भर करता है, तो घर्षण दोस्तों अगर चिकना पदार्थ चिकना सतह है तो घर्षण कम होगा, खुरदुरा सतह है तो घर्षण ज्यादा होगा, तो धरातल का स्वरूप और पदार्थ का स्वरूप कैसा है उस पर निर्भर करता है, तो घर्षण हमेशा धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मात्रा और भार किस द्रव के दो आयाम होते हैं, तो दोस्तों मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन का काम होता है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जब और ऊर्जा बनाता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और ज्यादा मात्रा में जो शर्करा होता है ग्लूकोज होता है रक्त में प्रवाहित होने लगता है, इसी को डायबिटीज कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई है, तो दोस्तों कंकाल मांसपेशी की संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन उसके बीच में होता है, दोनों के बीच में जो जेड लाइन होता है उसके बीच के भाग को एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट होती है उसको सार्कोमियर कहा जाता है, जहां पे एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से मांसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए सार्कोमियर को अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है, दोस्तों शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है कि शरीर क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य आयोजन है, उसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी भी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य आयोजन होता है, सबसे पहले हम उसका लक्ष्य यानी ध्येय निर्धारण करेंगे, ठीक है, गोल सेटिंग एंड गोल स्टेटमेंट सबसे मुख्य आयोजन होता है किसी भी चीज का। नेक्स्ट दोस्तों अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होना चाहिए, तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना है तो यहाँ पे भार मानक ढांचा होना चाहिए। पहले भार का अधिक करेंगे, इतना रोज देरी दे रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे, फिर हम करेंगे जो विश्राम मध्यांतर का अधिक होना, ठीक है, ज्यादा विश्राम देंगे और भार को बढ़ाएंगे उससे आपका अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक और तीन ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट वायु धारिता एयर कैपेसिटी निर्भर करती है, दोस्तों एयर कैपेसिटी जो है हमारे जो एल्वोलाइज होती है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है उसका आकार कैसा है और हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स की ताकत कैसी है, क्योंकि उसी के सिकुड़ने और फैलने से फेफड़ों में वायु अंदर बाहर आती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ एक और थ्री, यानी एल्वोलाई एल्वियोलर का आकार और इंटरकॉस्टल मांसपेशी की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, दोस्तों उसके परिणाम और आकार के आधार पर मानव शरीर के हड्डियों को विभाजित किया गया है, अस्थियों का वर्गीकरण जो है आकार और आकृति के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमोइड बोन। लॉन्ग बोन में आपका हाथ पैरों की ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आते हैं जो लीवर का काम करते हैं। शॉर्ट बोन में जो होते हैं जैसे कि हमारे कलाई और टखने, जैसे कि कार्पस और टार्सस बोन। एंड फ्लैट बोन में जो जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है जैसे कि कपाल, पसलिया और इसके पुला। एंड इरेगुलर बोन जो अव्यवस्थित होती है हमारे चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। सिसमोइड बोन जो कंडरास्थियाँ भी कहते हैं जो कंडरा में विकसित होती हैं और जोड़ों के आसपास पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा पटेला, घुटने की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सही उत्तर आप बताइए, यहाँ पे घर्षण के बारे में बात हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि घर्षण कार्यमान हेतु ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है, यदि सतह खुरदुरा है तो धनात्मक होगा, सतह चिकना है तो ऋणात्मक होगा, यानी खुरदुरा सतह पर घर्षण ज्यादा होता है और चिकने सतह पर घर्षण कम होता है, जैसे आपका चप्पल घिस जाता है तो आप फिसल के गिर जाते हैं, जो जूतों में जो सोल लगाया जाता है, कील लगाया जाता है, बड़े बड़े गोटे होते हैं जैसे कि इस जो स्पाइक्स होते हैं स्पोर्ट में, तो वो घर्षण को बहाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों आप सबको पता है चेन्नई मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में SC Buck के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवल प्रशिक्षण में भार आधारित होता है, तो दोस्तों इंटरवल प्रशिक्षण में हार्ट रेट यानी कि बीच में अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, जैसे कि हार्ट रेट जैसे 180 तक पहुंच जाता है हम एक्टिविटी रोक देते हैं और पुनः जब 120 और 140 के आसपास हार्ट रेट पहुंचता है तो पुनः हम एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, यानी अनकम्प्लीट यानी अधूरी रिकवरी दिया जाता है, तो हृदय गति दर और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण पर इंटरवल प्रशिक्षण आधारित होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट है, हृदय गति दर और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए। और अब आपके पास टाइम बहुत कम है, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।